दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय हिंद न्यूज। महाराष्ट्र में एनसीपी कोटे से मंत्री नवाब मलिक के बेटे के ऑफिस पर और कई और अन्य ठिकानों पर कल जो है ईडी की टीम ने रेड मारी। इस रेड के बाद काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो ईडी के सपोर्ट में आए और ईडी के द्वारा की जा रही कार्रवाई को सही बताया, तो वहीं जो है काफ़ी लोग जो है इसके खिलाफ में भी थे। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में नवाब मलिक, जो कि नवाब मलिक के बारे में आप सबको पता है कि उन्होंने बोला था कि वो जो है ईडी का पूरी तरह से स्वागत करेंगे और उनको जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर ईडी जो है उनको पूछताछ के लिए बुलाएगी ईडी ऑफिस में तो वो वहाँ पर जाएंगे और अपना स्टेटमेंट भी दर्ज कराएंगे। अब ईडी ने कल रेड भी मार लिया। इसके बाद जो है नवाब मलिक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया है जहाँ पर उनके द्वारा बोला गया है कि कल आज के दिन वो जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यानी कि उन्होंने आज जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके द्वारा कई बड़े खुलासे किए जाएंगे। जैसा कि सूत्रों से अपडेट आ रहा है, बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आज जो है नवाब मलिक ईडी सीबीआई यानी कि सेंट्रल एजेंसी को लेकर कई बड़े खुलासे कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि जब भी नवाब मलिक के द्वारा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है तो उसमें वो किसी न किसी के खिलाफ में कोई ना कोई बड़ा स्टेटमेंट देते हैं जिसके लिए बाद में उनको खुद ही माफ़ी भी मांगना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी नवाब मलिक जो है पीछे नहीं हटते और वो अपना स्टेटमेंट जो है वो पूरा करते हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने। तो देखते हैं, आज 12 बजे का टाइम इन्होंने दिया है, 12 बजे के करीब करीब इनका जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और इसमें मीडिया को इन्होंने इनवाइट किया है और उसमें इनके द्वारा क्या खुलासा किया जाएगा वो 12 बजे के बाद ही पता चलेगा। आपका क्या ओपिनियन है इस पर, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।